मुलाकात, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, भारत का अफ्रीका आउटरीच और जो संबंध है मेडागास्कर के साथ, कैसे देखते आप इन तस्वीरों को? जी, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो हमारा जो ग्लोबल साउथ के साथ हमारी जो बातचीत है, उनके साथ उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनको आगे ले जाना, वो भारत ने इसको किया है। और भारत ने जब ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ दो बारी इसको ऑर्गेनाइज किया था, एक बारी 12 जनवरी को पिछले साल जब हमने G20 का लिया था, उसमें भी मेडागास्कर ने उसमें हिस्सा लिया था, भाग लिया था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है इस क्षेत्र में, और आप देखिए पिछले कुछ सप्ताह में जब से हूती रेबेल्स ने रेड सी में इतने जो अटैक करने शुरू कर दिए हैं, न केवल भारतीय मर्चेंट वेसल्स पर परंतु दुनिया के और फ्लैग बेयरिंग मर्चेंट वेसल्स पर भारत ने हर का जाकर उनकी सहायता की है, और चाहे वो जो पायरेट्स हैं उनको चाहे गिरफ्तार किया है या उनको भगा दिया है। तो मैं समझता हूं जो ये भारत का जो कद है, रुतबा है, ये बहुत आगे बढ़ा है, और इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट ये जो पूर्व अफ्रीका के जो देश हैं मेडागास्कर, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो अभी हम इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में गए थे जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी थे, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां भी मेडागास्कर की विदेश मंत्री थी, और उन्होंने भी बहुत उनकी और हमारे विदेश मंत्री की बड़ी अच्छी वहां पर मुलाकात हुई जी। तो मैं ये समझता हूँ दोनों देशों में बहुत अच्छी समझ है, सूझबूझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जो हम दोनों देशों को मिलकर और साथ ही साथ अशोक सर, हम जानते हैं कि तो ये जो मुलाकात हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक जी, ये जो तस्वीरें हैं उसके एक और मायने ये भी निकाले जाएं कि जिस तरह से जो गिरिमिटिया मजदूर यहाँ से गए थे भारत से कॉलोनियल